ठीक है, हमने इतना बनाया था, अभी चलते हैं वापस, चलते हैं टॉप व्यू पे। अब मुझे क्या बनाना है, बेड बनाना है। ठीक है, तो बेड मेरे पास यहाँ पे 4 5 यहाँ पे देखो ग्रेड दे रखा है यहाँ पे। तो बेड बनाने के लिए यहाँ पे चीज़ों को कैसे बनाने वाले हैं, चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉली क्यूब लिया यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इतना पार्ट मुझे दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोगों ने सेटिंग कर रखा है, देखो मैं आपको कुछ रेफरेंसेज मैंने यहाँ पे निकाल रखा है यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये बेड दिख रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने ऐसे मैक्सिमाइज कर लिया। मुझे बेड बनाना है, बेड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, परस्पेक्टिव में क्या, अभी मैं जो मैंने बॉक्स बनाया ऑल टच, ठीक है, फुल फोकस, ये देखना है अभी। अभी इन चीज़ को देखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे मैं बस क्या है 80, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हाइट कितना है, 15 है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइट को कर दिया मैंने 15, ओके, हाइट ये है। ठीक है, अभी हाइट वेट में अगर देखो, वेट में बस कितना है, वेट को अगर मैं देखो, वेट में बस 60 करके देखें, 60 यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये हाइट एंड वेट यहाँ पे कितना है, डेप्थ को अगर मैंने कर दिया 80, तो अगर देखिए शायद बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ गया क्या, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका 80 आ गया, ये आपका 60 आ गया, और ये आपका 15 आ गया, तो आइडिया मिल जाएगा। अभी चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये रेफरेंस देखा, इसके बाद में थोड़ा सा हमने कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे देखें टॉप पे गए, तो इसके ऊपर जो टॉप पे बेड का पार्ट आपका इतना है ना, तो यहाँ का मेजरमेंट अलग है, मैं उसका मेजरमेंट अलग मैनेज कर रहा हूँ भाई, मुझे अब यहाँ पर मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाया तो मैं इसके अकॉर्डिंग बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, या तो मैं इसको मैं मैनेज करके काम करूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेसिक प्रोपोर्शन तो मैंने आपको दिखा दिया भाई, बेसिक प्रोपोर्शन में मेरे पास ये पार्ट क्या है ना, टॉपव्यू में गया, टॉपव्यू में मुझे यहाँ पे आइडिया मिला, मेरे पास ये इतना पार्ट दिखना चाहिए, तो कुछ तो हमारे पास यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम बेडरूम है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ओके, देखना यहाँ पे फोकस 4 प्रेस करो, जो बेड है इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पार्ट मेरे को ऊपर रखना है इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर, ये पार्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अभी सपोज मुझे इसको स्टेप से मॉडिफाई करना है, तो इसको स्टेप से मैं मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे गया, या तो मैं इसको मैं मॉडिफाई कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स पेट पे गया, यहाँ पे ये सेट कर दिया मैंने, इसको यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये काम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, कि मैं गया टॉप व्यू पे, टॉप व्यू पे जाकर मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने बेड को लिया यहाँ पे, बेड को ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, इमेज के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, तो बेसिक पार्ट तो मुझे पता चल गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें दिखेंगी, मेरे पास शेप्स कैसे हैं, किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे विजुअल है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल पार्ट ऑफसेट कर देता हूँ, ऑफसेट पे देखोगे आप यहाँ पे, ऑफसेट में आपने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट आपने सेट कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, अभी इतना पार्ट हमने सेट किया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑफसेट पे यहाँ पे गए, ठीक है, इतनी थिकनेस मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, बस थिकनेस में बस एक अप्रॉक्सीमेट लेके चल लूँगा। ठीक है, दूसरा पार्ट अभी आपको यहाँ पे क्या देखाना है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, आपको यहाँ पे हल्का सा अंदर लेके आना, तो थिकनेस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कम कर दिया यहाँ पे अंदर की तरफ। अभी आपको यहाँ पे क्या करना, ऊपर से मैट्रिक्स कुछ डालना, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इतना पार्ट दिखाया है, ऐसे कुछ मुझे मैनेज करना तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे चाहिए, जैसे बस लाइक यहाँ पे मैं चीज़ों को जब मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखें, यहाँ पे टॉप पे गए, आपका सर किधर इधर किधर है, तो आप यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे कहाँ गया, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे, अभी जितना पार्ट ये है ये 15 है, तो इसका इतना देखो तो यहाँ पे से ज़्यादा है। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है, आप इसमें से बनाना चाहो इसमें से बना लो। ठीक है, अभी आप ये आपको डिपेंड किस पर करता है, आप ऐसा बना चाहो ऐसा बना लो, वैसा बना चाहो वैसा बना लो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे कस्टमाइज करता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और ये पार्ट मैंने, ठीक है, एंड देन अभी देखो सीधा पार्ट है यहाँ पे, अभी सीधे पार्ट के लिए कोई कॉर्नर पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस कर सकते हो आप यहाँ पे, डुप्लीकेट फेसेस मैं इसी का जस्ट डुप्लीकेट फेसेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना है ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, टॉप पे गए, मुझे बनाना ना पड़े तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी का वर्टेक्स लिया मैंने यहाँ पे, आर फॉर स्केल, आप उसको अगर ऐसे मैनेज नहीं करते तो कैसा हो जाता, वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है यहाँ पे, देखना थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया वी एन स्नैप, ये देखो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, आप एक्सट्रूड कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है, थिकनेस मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, देखना यहाँ पे
तो मैंने अभी कितना कर दिया 15, यहाँ से इतना 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 15 है ना, देख रहे 15 है ना। तो अगर मैं देखो एक यहाँ से कॉपी करो 15, ठीक है 30 तक देखो यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे 15 30 कर दें, यहाँ पे आ रहा है कुछ पार्ट अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे 30 किया तो भी इसके बराबर ही जितना देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ाऊँ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे लेकर चलता हूँ, तो मैंने अराउंड 60 कर दिया यहाँ पे, ठीक है अब कुछ ज़्यादा हो गया ये अंदाजा, 60 मैंने बोला 90 हो गया, ठीक है ये देखो। अब ये पार्ट तो ऐसा लग रहा है इसके पास आसपास, तो हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करेंगे विद प्रोपोर्शन चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे ऑल टच कर दें यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट देखें, यहाँ पे एजिस पे गए रिंग एंड स्प्लिट, ओके एजिस पे गए, यहाँ पे गए फेसिस सेलेक्ट कर दिया 1 एंड 2, ठीक है यहाँ पे हमने क्या कर दिया सिंपल शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने में मेरे पास क्या होता है कीप ऑफसेट, कीप ऑफसेट ऑन ऑफ कर दो, यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे ऑफसेट पे काम करते हैं, यहाँ पे ऑफसेट दिख रहा है ये अभी क्या, मैंने ऑफसेट ऑन किया ऐसा पार्ट आ रहा है, ठीक है ये मैंने फ्रेमिंग कर दिया, फ्रेमिंग मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है अभी यहाँ पे अगर मैं ऑफसेट ऑन ऑफ कर दूँ तो ये पार्ट ऐसे दिखेगा, दिख रहा है हमें समझ में आ रहा दोनों डिफरेंस क्या। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे देखने हल्का सा अंदर की तरफ दे देता हूँ, तो अंदर की तरफ कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपका सेफ कुछ आएगा यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना तो बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो इस वाले पार्ट में, तो ऐसा मैं यहाँ पे तो ऐसा इसको मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट किया यहाँ पे फेसेस शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे है ऑफसेट, ऑफसेट कर सकते हैं यहाँ पे देखो किया एक ऑफसेट किया इसका, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद यहाँ पे ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे डेप्थ है कि नहीं, मैक्सिमाइज करो जूम करो यहाँ पे, ये शायद मेरे को अंदर की तरफ जाता नजर ना बाहर की तरफ कुछ एक पॉइंट सा पार्ट दिखा हुआ है, तो कैसे करें यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्सट्रैक्ट फेसेस करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फेसेस, एक्सट्रैक्ट फेसेस का मतलब क्या हुआ अलग, ठीक है एजिस मुझे देना है यहाँ पे, ये ऑप्शन पता है सेंटर पिवट डब्ल्यू प्रेस करो आ गया, इस्टे डिलीट डिस्टे डिलीट होगी यहाँ पे कुछ होगा तो आप इसको जो जो कर सकते हैं यहाँ पे सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है इंसर्ट में मुझे मल्टीपल एज चाहिए, मल्टीपल एज कितना दे सकता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक चीज़ को मैनेज करना है तो मैं देखो मैंने यहाँ पे कितना किया मैं अप्रॉक्सीमेट, तो ऐसा काउंटिंग करना चाहो काउंटिंग कर लो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 राउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 14 कर सकता हूँ, 14 मैंने किया तो मुझे 14 पे देखो कितने मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने कितना कर दिया 13, ओके 13 किया मैंने, यहाँ पे 13 पे ये पार्ट ऐसा आ गया, ठीक है दूसरी बात यहाँ पे देखें 1 2 3, तो सेगमेंट कितने चाहिए 2 से मेरा काम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कितना किया 2 कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 एंटर एंड देन है ना क्लियर हुआ। अभी इतनी मेहनत क्यों की अभी देखते हैं, फेसेस सारे सेलेक्ट कर दिया मैंने, सारे फेसेस सेलेक्ट हैं ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मॉडलिंग के अंदर मेरे पास बहुत अलग अलग टूल्स हैं जिनको हमें भी देखना और यूज़ करने की नीड है, ठीक है यहाँ पे देखो पोक करके एक ऑप्शन है, देख रहे हैं यहाँ पे ओके है मैंने यहाँ पे, और देन इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ऐसी चीज़ बनाने के लिए मुझे दिक्कत नहीं पड़ेगी ऐसा, बट मैंने यहाँ पे सेट किया और देन यहाँ पे सोफे पे बनाने के लिए भी काम आता है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे अभी ये जाना बहुत पॉइंटेड सा नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अलग क्या कर मैं कहूँ बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है सेलेक्ट करो आप यहाँ पे इन चीज़ों को आपको मैनेज करना तो आप मैनेज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे हार्ड एजेस करके देते हैं यहाँ पे, तो हार्ड एजेस में आपको ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है अब देख रहे हैं कुछ खतरनाक डिटेलिंग किसको बिठाना बिठा सकता हूँ चुप जाएगा। तो ये तो ऐसा डिजाइन होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे ये आप ऐसे पार्ट करके दिखा सकते हो पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा काम किया, ठीक है बेड है बेड पे दिखा देंगे यहाँ पे, चलो ऐसा कुछ पार्ट मुझे करना था मैंने कर दिया यहाँ पे। अच्छा यही सेम काम इधर भी है देख रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या 1 2 3 4 यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है सेम काम एक बार रिपीट कर दें यहाँ पे क्या करने वाले यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो मैं अभी 4 दफ़ा है, तो मैं अभी क्या कर दूँगा यहाँ पे एजिस पे गए, ठीक है सिंपल इंसर्ट एज लुक टूल, तो अभी आपको यहाँ पे नंबर तो याद ही है, तो यहाँ पे पहले तो मैंने 2 यहाँ पे 2 नहीं ज़्यादा होगा मैं 1 2 3 4 4 है ना यहाँ पे, तो मैंने क्या किया ये मेरे पास माया, ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 4 कर दिया यहाँ पे और देन 4 यहाँ पे कर दिया, ठीक है यहाँ पे नंबर्स ऑफ मल्टीपल कॉपी कितना यहाँ पे 14 था तो 13 हम लोग यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे, देन क्लिक कर दिया यहाँ पे डन। फेसेस सेलेक्ट करना है, अभी फेसेस कैसे सेलेक्ट करो यहाँ पे, अभी को तो अकेले था तो मैंने कर लिया,
यहाँ से गया टॉप पे जाने वाला, तो 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ से मैंने फिर से ऐसा सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, परस्पेक्टिव भी गया 4 5, ठीक है 1 प्रेस करते हैं ध्यान देने के। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे मैं आगे कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो ये आपको समझ में आया, डिफॉल्ट क्वालिटी डिस्प्ले 0 होता है, रफ कितना है आपका 1 है, मीडियम क्या है 2 एंड 3 क्या है स्मूथ क्वालिटी। अभी यहाँ पे तो आपको ऐसे देखा आपने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ठीक है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 किया 1 ये है, 2 प्रेस करो 2 ऐसे देखेगा स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, एंड 3 प्रेस करो तो स्मूथ देखेगा, ठीक है तो ये 1 2 एंड 3 ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। 4 आपका वायर फ्रेम होता है, तो देखो 1 2 एंड 3 एंड 4 पर वायर फ्रेम, 1 वापस आ जाएगा यहाँ पे, 5 पर सरफेस, ठीक है एंड 6 फॉर टेक्सचर। टेक्सचर के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लिया, जैसे मैं सीमलेस टेक्सचर निकाल लेता हूँ, ठीक है सीमलेस टेक्सचर निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी मैं मैनेज करता हूँ। अभी हम लोग जो बेडरूम बना रहे हैं, बेडरूम में हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट भी बना ही लेते हैं क्या, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, देखो टेक्सचर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल पे गए सेट प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे मेरे पास जो बैचेज हैं, ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 to 5 में यहाँ पे गया, ठीक है मैंने यहाँ पे एक सिंपल था यहाँ पे फोल्डर सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया बेडरूम है यहाँ पे सेट कर दिया, इंटीरियर सेट किया, ठीक है क्रिएट डिफॉल्ट, ठीक है यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक होता है प्रोजेक्ट विंडो होता है, प्रोजेक्ट विंडो में क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सेट किया वो प्रोजेक्ट विंडो में आपको ऐसा देख गया, ठीक है कि यहाँ पे 4 to 5 में यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे, न्यू कर दिया, न्यू में यहाँ पे मैं क्या नाम दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इधर बेडरूम, ठीक है बेडरूम किया मैंने एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है फाइल पे गए सेव एज कर दिया यहाँ पे, सेव एज करने पे देखो बेडरूम के अंदर सीन्स के अंदर आपकी फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है इंटीरियर बेडरूम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया एक बार आइडिया मिल जाएगा, देखो यहाँ पे हमने जो भी काम किया यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखो बेडरूम दिखा यही फोल्डर है 4 to 5 तो क्रॉस चेक करें यहाँ पे फाइल कहाँ की मेरे पास, यहाँ पे फाइल सेवाइज में गए, देखो मेरे पास फाइल अभी कहाँ गई, यहाँ पे TTS में TTS के अंदर चलेगी बेडरूम, ठीक है तो ये फोल्डर आपको यहाँ बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक है तो मैंने यहाँ पे TTS के अंदर यहाँ पे आ गया बेडरूम, ये देखा यहाँ पे अभी मुझे ये फोल्डर यहाँ नहीं चाहिए, मुझे फोल्डर इसके अंदर चाहिए था क्या, तो मैं इसको वापस ले जाता, मैंने कहा भाई काम करो, ठीक है मुझे फाइल कहाँ चाहिए, फाइल सेट प्रोजेक्ट जो मैंने किया यहाँ पे ये इसके अंदर TTS के अंदर मैंने फोल्डर यहाँ पे सेट किया था 4 to 5 में चाहिए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है आप यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो करोगे, प्रोजेक्ट विंडो पे आप देखो देखेगा ये कहाँ पे गया 4 to 5 के अंदर है, न्यू किया 4 to 5 TTS के अंदर यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ पाथ, ठीक है यहाँ पे मैंने किया 4 to 5 यहाँ पे मैं अब मैं डालता हूँ तो शायद अभी मैं बेडरूम अंदर आएगा, बेडरूम एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है एग्जिस्ट है TTS में ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है अच्छा इसमें आया कि नहीं आया देखो यहाँ पे, ओके बेडरूम यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है एक्सेप्ट क्रॉस चेक करें यहाँ पे TTS के अंदर एक बेडरूम मेरे पास यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे देखो बेडरूम है कि नहीं, यहाँ आपका बेडरूम यहाँ पर आ गया, ठीक है बेडरूम आने का पर्पज क्या, अभी जो भी आपकी फाइल सेव होगी कहाँ होगी सीन के अंदर होगी, ठीक है फाइल पे गए सेव किया सीन के अंदर, ये फाइल मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, ठीक है अभी जो मुझे टेक्सचर चाहिए वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, टेक्सचर आपका कहाँ होगा सोर्स इमेजेस में, तो मैंने यहाँ से एड्रेस कॉपी किया जो नेट से मुझे टेक्सचर डाउनलोड करना है यहाँ पे, ठीक है मुझे यहाँ पे सपोज मुझे ऐसा कोई टेक्सचर लेना है, ठीक है तो मैंने यहाँ पे किया तो ऐसा मैं डार्क टेक्सचर सीमलेस टेक्सचर सर्च कर लूँगा वुड सीमलेस टेक्सचर, ठीक है मुझे अगर ऐसा कोई टेक्सचर चाहिए बिना वाटर पार्क का, ठीक है साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा ले रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ठीक खुलेगा नहीं खुलेगा, ठीक है ये देखो आप यहाँ पे सीमलेस नीचे नंबर है वो मत लेना, ठीक है यहाँ पे देखो वाटर मार्क विदाउट वाटर मार्क चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ठीक है मैं ये सेव कर लेता हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है अभी ये जो मैंने सेव किया वो मेरे पास कहाँ आ गया, ये मुझे पाथ देना है यहाँ का जो पाथ मैंने ले रखा है यहाँ पे ये ना कंट्रोल सी और मैंने यहाँ पे पाथ दिया कंट्रोल वी देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया वुड, ठीक है अब यहाँ पे क्रॉस चेक करो माया में गए यहाँ से मैं जस्ट टेक्सचर डालता हूँ, ठीक है टेक्सचर कैसे डालें राइट क्लिक असाइन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया न्यू मटेरियल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आर्नोल्ड पे गया आर्नोल्ड पे जाके AI स्टैंडर्ड सरफेस मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया वुड, ठीक है वुड कर दिया यहाँ पे, ठीक है तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कलर पे, फाइल पे गए
अदर मैंने पे टेक्सचर कॉल किया, कंट्रोल वी देन एंटर, ये वुड वेपर्स यहाँ पे आ गया। अभी हम लोगों ने इतनी मेहनत की क्योंकि 4 एंड 5 का सरफेस या 6 में टेक्सचर, ठीक है। तो आपको देखिएगा 5 का आपका 6 आएगा, 6 टेक्सचर है, 7 फॉर लाइटिंग है, ठीक है। तो कभी 7 दब गया तो आपको बताया ब्लैक क्यों हो गया, तो आप 6 पे आओ तो दिख जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने जो अभी मुझे जो काम करने पे टेक्सचर में बहुत बढ़िया नहीं आया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूवी पे गया देन ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ से देखो ऑटोमेटिक। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी टेक्सचर आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, सिर्फ प्रेस करके देखो सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे भी गेम खेल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आपको देखो, ओह माय गॉड, ये थोड़ा गेम डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डी सेलेक्ट कर देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। परस्पेक्टिव में क्या है, ठीक है, 4 एंड 5 एंड सिर्फ पे यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे एक्सट्रूड नहीं करना क्या, यहाँ पे मुझे आपको बताया ना लाइक पॉक फीसेस कहाँ पे गया। देखो एक आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है ब्रिज डुप्लीकेट, यहाँ पे पॉलीगन, ऐसा सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए बहुत बेटर नहीं दिख रहा है, पॉक फेसेस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पॉक फेसेस किया मैंने यहाँ पे, अदर मैंने इसको मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, देख रही ना, ठीक है। इतना पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, इतने पार्ट को मैं तो समय मैनेज करूँगा, इतना पार्ट मैंने किया, ठीक है। देन सॉफ्टनेस दिख रहा है, 6 प्रेस करो ऐसा दिख रहा है, सिर्फ राइट क्लिक एंड हार्ड एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ पर क्वान्टिट ऐसा नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, असाइन, यहाँ पे क्या किया, वुड आया, अरे बेड बनाना है, हमने बेड बना तो दिया, बेड बनाने के साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को मैनेज भी करेंगे, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैनेज करना है तो कैसे करें, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी पार्ट को मैंने यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया, 1 एंड 2, बॉक्स बनाना चाहो बॉक्स बना लो, डुप्लीकेट फेसेस करना चाहो डुप्लीकेट फेसेस कर लो, कर सकते हो डुप्लीकेट फेसेस, ठीक है। कैसे पता चलेगा, सेलेक्ट करो दिस वन एंड एच फॉर हाइट, तो डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ, एजेस मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, एजेस मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, सेफ्ट एंड डिलीट एजेस, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर है तो मैंने एक्सट्रूड किया, मैंने एक्सट्रूड करके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ देखो, ठीक है। अब इसका तो मुझे कुछ और कलर देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर अ टाइमिंग मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता क्या चला कि मुझे एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे डब्ल्यू, देन यहाँ पे लेफ्ट में गए एफ फॉर फोकस, ठीक है, इन फ्रंट में गए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं क्या, ठीक है। चीज़ों को मैं कुछ ऐसा मैनेज करना तो किया जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करना चाहूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, इन चीज़ों को भी फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा मैंने डेप्थ दिया, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। येलो में ये पार्ट आपने यहाँ दिया, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या क्या मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर थोड़ा सा राउंड होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉर्नर्स को मैं बेवल करने से पहले यहाँ पे एजेस को सेलेक्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ऑफिस का यहाँ पे बेवल एजेस, ठीक है। बेवल एजेस में यहाँ पे क्या किया, फ्रिक्शन कम, सेगमेंट्स ज़्यादा, ठीक है, ऐसे मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। राउंडनेस थोड़ा सा चाहिए मुझे यहाँ पे, हार्डनेस और राउंडनेस आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया ऑल्ट एच, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है। मल्टीपल है यहाँ पे, मैं ऐसे कॉपी और ऐसे देखा यहाँ पे कितना 13 था, तो यहाँ पे उसका 8 तो कर ही सकता हूँ रेसो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे चीज़ को दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखो सेगमेंट्स में दिए, सेगमेंट्स को भी मैं इसको आगे चल के मैं कुछ और लुक एंड फील दे सकता हूँ, लाइक मुझे थोड़ा सा रफनेस सॉफ्टनेस चाहिए तो मैंने बीच में ऐसा सेगमेंट दे दिया कि मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, अभी आगे चल के मैं क्लॉथ बनाना चाहता हूँ क्लॉथ बना सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आना चाहिए मैंने कर दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मेरे पास यहाँ पे चाहिए आगे देखो, यही जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मुझे इधर भी चाहिए। ऑल्ट एच क्या किया मैंने यहाँ पे, एजिस एंड रिंग इन स्प्लिट, पॉसिबल है, इधर है ना, इधर नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और इतना पार्ट मैंने कर दिया डिलीट, ठीक। इसमें जाके क्या कर सकता हूँ, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, एक ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। दूसरा पार्ट एक यहाँ पे मिरर होता है, मिरर भी आप तो एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सिस देखो, एक्सिस कौन सा है यहाँ पे, क्या है, रेड इधर है और ग्रीन है, रेड आपका एक्स होता है, ग्रीन आपका वाई, तो ये जेड है, तो जेड पे करके देखो यहाँ पे काम होगा क्या। अभी देखो जेड पे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो जेड एक्सिस यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस करोगे देखो यहाँ पे, देखा, ठीक है, एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। ऑफसेट उधर जाके देख रहे हैं, ग्रुप कहाँ दूर जा रहा है,
ऑफसेट, ये देखो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस से प्लस कर दिया और ऑफसेट यहाँ पे ऐसा कर दो तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट थोड़ा आना चाहिए, यहाँ पे क्या कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे चूँकि मैं मैनेज करता हूँ, मैं बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए। तो एक ये पार्ट भी है, ठीक है, आता है कंफर्टेबल लोग करना चाहो कर लो। ठीक है, एक पार्ट में और बता दूँ जहाँ पे लगता है आपको कन्फ्यूजन का लेवल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया, मैं बस पावर पॉइंट पे एडिट में गए, मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, बाकी आप लोग फ्री हो कोई भी यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन मुझे बताना था, मैंने बता दिया, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। क्या धोखा नहीं देने का मतलब क्या है, एक दो स्टेप ज़्यादा लेकिन लेकिन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई, यहाँ पे जी आपका यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एडिट पे रीसेट एक्स वाई एंड जी, तो जी पे मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे तो एग्जैक्ट आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ सेट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन शिफ्ट एंड कर दिया मैंने, कंबाइन वर्टेक्स पे गए, इनको सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मर्ज, मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पे मर्ज कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काम खत्म। ठीक है, तो एज यू विश जो आपको चले गए आप कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्केच बनाया भाई, मेरे पास अपना एक बेड रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कभी कभी आपका ऐसा होता है कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है, आपको कभी कभी कोई चीज़ नहीं मिलता, तो स्पेस बार प्रेस करो, ये ऊपर होता है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे अपने व्यू, सिंगल व्यू है, आपको डबल व्यू चाहिए डबल व्यू आ जाएगा, नाम दिया है हाइपर शेड के साथ काम करना चाहता है, हाइपर शेड एंड परस्पेक्टिव एंड एंड व्यू, यहाँ पे क्लिक किया, नॉर्थ में आपको मल्टीपल व्यू मिलेंगे, आप इसको क्रॉस चेक करके एक बार देखोगे, परस्पेक्टिव एंड ग्राफ एडिटर ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, स्पेस बार प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है, एडिटर, ये आपको ऐसे मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ आपका नॉर्थ, नॉर्थ का पोज क्या होता है साउथ। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल ने स्पेस बार प्रेस किया, यहाँ पर फोर व्यू ले लिया, मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना था, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेस बार प्रेस किया, मैंने आउटलाइनर या आउटलाइनर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ पर गया, मुझे इसे क्या बनाना, हाइपर शेड, हाइपर शेड मतलब सीधा मटेरियल जो यूज़ करना, यहाँ पर मैंने इसको क्या बना दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेंडर व्यू बना दिया, रेंडर व्यू कर सकता है आप। ठीक है, लाइटनिंग से तो दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, अभी हमने कस्टमाइज किया, चीज़ों का मैनेज किया कि चलो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आ गया। अभी ये क्या होता है, ये मैंने नॉर्थ और साउथ बताया। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेशल प्रेस करो, यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ का यह होगा मेरे पास स्टेटस, वो क्या बोलते हैं यूआई सेल्फ एडिटर। ठीक है, कमांड लाइन ध्यान से देखो, स्टेटस लाइन, ठीक है, टाइम स्लाइडर, सपोज गायब हो रहा है आप इसी से वापस भी ला सकते हो, टूल बॉक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला, रेंज स्लाइडर, ठीक है, हेल्पलाइन चाहिए तो वापस आ जाएगा, है ना, कमांड लाइन आ रहा है वापस, स्टेटस लाइन जब नहीं हो तो आप यहाँ पे स्टेटस लाइन ऐसे लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा याद रखोगे, ये कंपास याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ईस्ट में आपको क्या मिला, आपका यूआई मिला, वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, सारा मास्किंग मिलेगा। मास्किंग मतलब क्या, ये देखो जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है, स्टेटस लाइन मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे ये मास्किंग होते हैं, देखो यहाँ पे ये नर्व्स का अलग पार्ट देखेगा, यहाँ पे इसका अलग पार्ट देखेगा, हम लोग जो मॉडलिंग में करते हैं तो ये वाला मास्क आपको यहाँ पे पॉली मास्क यूज़ करना पड़ता है। जब देखोगे आप यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, नर्व्स मास्क, कुछ और देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉली मास्किंग देख रहे हैं, यहाँ पे पॉली मास्क, पॉली मास्क आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, ये पार्ट आपके यहाँ से आ जाएगा। ओके, तो चलो पिलो स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक पॉलीक्यूब लिया, पॉलीक्यूब भी हमारा बहुत छोटा है, तो बेसिक सा पार्ट विड्थ, ठीक है, एंड हाइट एंड डेप्थ, ये एक चीज़ आपको ध्यान देना, जैसे आप चीज़ों को बनाने वाले तो चीज़ों को तो ऐसा मैनेज करो, मैं अगर सिंपल सा पार्ट, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए, मैं आपको एक सिंपल सा ऑप्शन बता देता हूँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखें, पिलो साइज मैंने सर्च किया 20x26 इंच। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे देखें, चीज़ों को तो सा मैनेज करें तो मैनेज करने पे मुझे यहाँ पे तो सा दिख जाएगा सेंटीमीटर ऐसे कुछ पार्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किसी भी चीज़ को अगर मैनेज करें यहाँ पे, तो लाइक क्या आइडिया मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वीन साइज का है तो क्या भाई 20x30 है ना, तो 20x30 एक बार देखें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने अभी क्या किया, विथ किया, लाइक अभी विथ आपको चाहिए 20 और ये डेप्थ चाहिए 30। क्या बात है, इतना बड़ा है क्या, बैठ के जितना अच्छा नहीं, ठीक है, देखें मिले बैठ जितना ही दिखना है। ठीक है, हाइट को यहाँ पर हम लोग अभी कम रखते हैं, क्योंकि ये जब मैं प्रेशर डालूँगा तो ये अपना फूल जाने वाला है। ठीक है, जब मैंने ऐसा कुछ सर्च किया तो चलो प्लेयर का टेक्सचर भी सर्च कर लें यहाँ पे,
TXT आ रही, ठीक है। टेक्सचर भी सर्च कर ही लेते हैं, तो मेरे पास टेक्सचर बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। टेक्सचर लाइक पिलो साइज हटा के टेक्सचर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। पिलो टेक्सचर, तो टेक्सचर भी मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, सपोज मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो लेट्स सी 300x300 यहाँ पे सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या बेडरूम में आकर सेव कर दिया, ठीक है। देखो ये भी, इसका भी एक मेथड दिखाऊंगा, ये भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, ये टेक्निक है, टेक्सचर से बहुत सारा काम हो जाता है। तो दो तीन टेक्सचर में सेव कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा चीज़ें दिखाने लग गए, तो काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ऐसे कुछ कर देते हैं फाइल सेवर्स, तो एक दो इमेज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑफिस गए माया में, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और पॉली क्यूब है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे विड्थ है, विड्थ में डिवीजन में बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे डिवीजन बढ़ाना है आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे डेप्थ में डिवीजन बढ़ा सकते हो, मेक श्योर क्वाड्रेंट, ठीक है। राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस सीडर, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉली क्यूब यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पिलो PILOW पिलो कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए फाइल पे जाके पिक किया मैंने यहाँ पे, और देन चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो वुड के साथ यहाँ पे पिलो के कुछ टेक्सचर हैं, इन टेक्सचर को मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए UVs पे गए, देन आप ऑटोमेटिक भी कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपके यहाँ पे दिख गया, ओके, सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ पे आपको याद है यहाँ पे मैं स्टेटस लाइन यूज़ करता था, स्टेटस लाइन के साथ सेल्फ भी होता है मेरे पास यहाँ पे, तो 1 2 3 कर देते हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे चीज़ों को चीज़ यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्फ स्टेटस लाइन में लेता हूँ मैं, यहाँ पे चलते हैं FX आता है क्या, FX में आता है यहाँ पे क्या मिलता है, एंड हेयर एंड क्लॉथ आता है, तो मैंने क्रिएट किया, क्रिएट एंड क्लॉथ कर दिया यहाँ पे। एंड क्लॉथ करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे टाइम स्लाइडर का नीड होगा, तो टाइम स्लाइडर पे गए और मैंने यहाँ पे प्ले करके देखा, तो यहाँ पे धीमे धीमे नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने पे मेरे पास ये एंड क्लॉथ दिखेगा, एंड क्लॉथ एंड न्यूक्लियर, ठीक है, दोनों आप चीज़ों को मिलेगा। ग्रेविटी को कर देते हैं नील, नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया, ठीक है। इसमें देखो कि यहाँ पे मेरे को चीज़ क्या चीज़ है, लाइक एंड क्लॉथ में गए, साइज में है, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रेशर है, प्रेशर को बढ़ा दें यहाँ पे, लाइक मैंने कर दिया 0.5 करके, देखें यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, तो क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे पिलो बहुत जल्दी आराम से अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। आप कुछ को जैसे मैनेज करने को यहाँ पे थोड़ा सा ले रहा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या काम करने चाहिए, आपको लगे 4 और 5 देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे पिलो का लुक एंड फील आपको दिख जाएगा। साइज हमने लिया, टेक्स्ट हमने पहले अप्लाई कर रखा, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकता हूँ, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, एड इट डिलीट बाई हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे गए एडिट, यहाँ पे डिलीट की हिस्ट्री के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, हिस्ट्री ये सारे पार्ट में मैं मैनेज कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या होगी। अभी देखो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, तब ये अप एंड डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट, मैंने यहाँ क्या किया, क्लॉथ बन गया, अपना काम करता हूँ, इसका तो मैं कोई लेना देना नहीं है क्लॉथ से, तो राइट क्लिक किया, एजिस पे गए, रिंग एंड कोलैप्स, काम खत्म, तो पिलो आपके यहाँ पे रेडी। अगर आपको लगता है पिलो में थोड़ा सा डिटेलिंग देना, प्रेस करो 3, ये देखो आगे, तो पिलो का लुक एंड फील दे दिया, टाइम तो नहीं लगा, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे, 6 प्रेस को, तो टेक्सचर पे हमने कर ही रखा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। टॉप पे गया, मैंने कहा भाई चलो पिलो मेरे पास यहाँ पे, तो पिलो का मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। बाई चांस अभी अपना मन का भी कर जाएगी यार, मुझे जैसे मैंने कहा था सेगमेंट मैंने दिया, इसमें कुछ अगर मुझे फ्लफीनेस थी, तो इसको भी मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को मैं सेट कर दिया, ठीक है। ऑल टच कर दो यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये भी पार्ट भी रह गया, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देती हूँ। पहले तो बेड वालों को कंबाइन करता हूँ, दिस वन शिफ्ट एंड कंबाइन, तो ये पार्ट में बस ऐसा हो गया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को थोड़ी देर के लिए कंबाइन कर दिया, क्या पॉसिबल है कंबाइन? चलो बहुत मन करे तो थोड़ा सा चद्दर उद्दर भी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक पॉली प्लेन लिया, मैंने पॉली प्लेन लेके मैंने कहा भाई इधर आ जाओ, ठीक है। तो पॉली प्लेन पे विड्थ है मेरे पास यहाँ पे, विड्थ एंड हाइट, ये देखा भाई ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ओके, ठीक है, बहुत है। फ्रंट में गए, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं मेरे पास बहुत अच्छा काम करता है कि नहीं करता। टॉप पे गए, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। और फॉर स्केल कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स को मैंने थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब सेगमेंट दिया, अभी यहाँ पे एक टेक्सचर भी कर देते हैं, ठीक है। बेडशीट भी ढूंढ लिया यहाँ पे,
बेडशीट फैब्रिक टेक्सचर, ठीक है, मैचिंग मैचिंग ढूंढ लेना क्या, पता चले दोनों अलग अलग कॉन्ट्रास्ट में मिल रहा हो तो फिर कहोगे सर ऐसा बन गया, ठीक है। तो बेडशीट टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा सा लग गया, तो देखें यहाँ पे कुछ कलरफुल टाइप्स की चीज़ें, बढ़िया सा है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट में दिखाएं, ये देखो जैसे ये होगा वैसे आपको ये भी होने वाला है। तो ऐसा कुछ ढूंढ लेना जिससे आपका काम आसान हो जाए। तो मुझे भी फिलहाल में क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा लगता है मुझे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फाइल पे गए, सेव इमेज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, माया पे गए हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करना साइन, मैंने यहाँ पे एक और न्यू मटेरियल कर दिया, यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, AI स्टैंडर्ड सरफेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बिट, ठीक है, क्लॉक टेक्सचर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, फाइल पे गए, टेक्सचर को मैं उठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास जो टेक्सचर है मेरे पास यहाँ पे सेट कर दिया 6, यहाँ पे देखना भाई ऐसा कुछ पार्ट मैंने मैनेज किया। साइनिंग यहाँ से हटा दूंगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रफनेस आपका जो भी है स्पेकुलर ना, स्पेकुलर पार्ट आप हटा देना, पे वेट नील कर देना ताकि मुझे यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकें। यहाँ पे अभी मैंने इसको क्या बनाया, इसको मैंने कर दिया FX में ही है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड यहाँ क्लॉथ कर दिया, तो क्रिएट एंड क्लॉथ कर दिया, ठीक है, देखकर काम कर देंगे। ओके यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्ट यहाँ पे चाहिए मैनेज करते हैं हम लोग, यहाँ पे चाहिए को मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो उसको हम लोग एंड क्लॉथ बना के देख सकते हैं, बस अगर एंड क्लॉथ अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखो बस पहले से एंड क्लॉथ यहाँ पे, तो एक दो एंड क्लॉथ यहाँ पे देखेंगे तो वो बहुत बड़े काम नहीं करते क्या। तो एक बार डिलीट करके एक बार क्रॉस्टर करना, एडिट में गए डिलीट हिस्ट्री, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिएट एंड क्लॉथ करो, तो अभी शायद ये कुछ शायद काम कर जाए आपको यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, माया को करना पड़ेगा रीसेट, ठीक है। तो अभी चलो अगर मेरे पास ऐसा कुछ काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे पास अगर ऐसा कुछ काम नहीं करता, मेरे पास टाइम तो काम है रीसेट करने का, मेरे पास टाइम अभी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी भी जिसको मैं नॉर्मल भी डील कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, छोड़ो अभी एंड क्लॉथ आराम से, मैं अभी इसको आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पर सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मेरे पास है, डिस्प्ले पे गए, शो पे गए एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इधर से इधर मैंने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इधर से इधर ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गया जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ना मॉडलिंग में गए, तो यहाँ पे मैं क्या होता है डिफॉर्मर होता है, डिफॉर्मर में मेरे पास लैटिस होता है, तो लैटिस में मैं अगर ऐसा 5 एंड 5 कर दूँ तो मैं ऐसे करके भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको लाइक काम करने का प्रोसेस आना चाहिए, आपने यहाँ पर सेट कर दिया, देखें यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, आप यहाँ पर जो है ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर सेट किया, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है, आर फॉर स्केल, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, मेक श्योर आपको कोई अनवांटेड वर्टेक्स लगना ना हो तो ये देखो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे भी कोई नीड है जिसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो कर्व भी दिखना है, मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो लाइक ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दिस वन इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड बी बिफोर सॉफ्ट सिलेक्शन देखना है, तो आप इसको ऐसे करके भी ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, देखना है लाइक दिस, ऐसे करके आप मैनेज करके दिखाओ, अप एंड डाउन थोड़ा सा बैलेंस कर दो आप यहाँ पे, जैसे देखना अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया बी, आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो वन बाय वन करके, या फिर आपने फ्रंट पे गए लेफ्ट पे गए, ठीक है, आपने यहाँ पर सेट कर दिया और देन इसको आपने यहाँ से ऐसे भी मैनेज कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर सेट कर दिया, ये आपने यहाँ से भी मैनेज कर दिया है, ओके। तो आप इस टाइप से भी चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, अगर आपको ऐसे भी कुछ काम करना पड़े तो आप ऐसे भी डील कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपने किया, देखो लगता है यहाँ पर कुछ पार्ट आपको ऐसा रह रहा है, तो आपने यहाँ पर हल्का सा लिटिल बिट फिर रेगुलर शेप अगर आपको बनाना पड़ता बना सकोगे, ऐसे नहीं सब कुछ उस पर डिपेंड है, हम लोग लाइक पिलो भी ऐसे बना सकते हैं क्या, पिलो भी अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ तो थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़े, लेफ्ट एंड राइट फ्रंट पे गए, तो ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे इस टाइप से मैंने मैनेज किया कि मुझे इस टाइप से चीज़ को ऐसे भी दिखाना है, रोटेशन भी देना है, तो ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना तो दिखा दूँगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। ज़मीन से मुझे ऊपर रखना है, ये भी ध्यान देना, जैसे देख रहे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो ये पार्ट मैं इस पर ना लेके, ठीक है, इनको मैंने लिया, इनको मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे लाइक दिस, रोटेशन पे गए, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा मैनुअल तो उसी मेहनत लगेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर कि अभी आपने ऐसा कोई दिखाया, तो ऐसा करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे आपने किया, पिलो हमारे पास था यहाँ पे कहीं, ठीक है, पिलो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर और नीचे मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई कहाँ गया, ठीक है। तो ये पार्ट ऑल टच,
ठीक है, यहाँ क्रशर करो, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया पे, तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मैनेज करके मैं दिखाता हूँ बस, तो यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे नज़र आ रहा है, तो आप ऐसे करके मैनेज करते, मैंने अभी क्लॉथ डिलीट किया तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट भी बढ़ा है, लेकिन चलो आप ऐसे करके मैनेज करना चाहते तो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉथ को एक बार आप फिर से कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार फिर से आपको मैं आइडिया दूंगा, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर प्रेस करो, ये देखो दो पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, सेफ्ट एंड सेपरेट कर दिया, सेपरेट ये डबल पार्ट है क्या, एक बार देखेंगे इसे क्रॉस चेक करके, ऑल टच फेसेस बी एंड डिलीट कर देखो आप यहाँ पे, ये पार्ट आपके यहाँ पे देखिए, तो बाई चांस अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फोर एंड फाइव ऐसे कुछ करके आप मैनेज करके दिखा सकते हो। ठीक है, कि डिस्प्ले पे गए सो एंड ऑल, ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और इसको आप यहाँ पे अच्छे से बैलेंस करके लगा सकते हो। तो दोनों टेक्निक है, ठीक है, एक बार हमने ये देखा, चलो भाई हम लोग और भी क्लॉथ करेंगे, लेकिन यहाँ चलो एक बार ऐसे दिखा देते, भाई ऐसे भी मुझे काम करना पड़ेगा तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूँगा कि मैं बस कैसे चीज़ों को बना सकता हूँ।